दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बेस्ट 32 इंच स्मार्ट टीवी की लिस्ट आने वाले बिग टीवी डेज और बाकी सेल्स के लिए, ताकि आपको अपने लिए एक बेस्ट 32 इंच स्मार्ट टीवी सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। और दोस्तों मैं ये सारी डिटेल्स आपको क्विकली देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर 30-30 मिनट वाले लंबे टाइम कंज्यूमिंग वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में मुद्दे की बात पॉइंट टू पॉइंट करना पसंद करता हूं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपने लिविंग रूम के हिसाब से ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एक 32 इंच स्क्रीन साइज वाला टीवी परचेज करना है, तो फिर आपके लिए ये टीवीज बेस्ट रहेंगे। और एंड में मैं आपको मेरे टॉप पिक्स बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले नंबर पर आते हैं सोनी के तीन डिफरेंट मॉडल्स, जिनमें आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ सोनीज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज लाइक एक्स रियलिटी प्रो, मोशन फ्लो XR, लाइव कलर टेक्नोलॉजी, और साथ ही यहां पर आपको डिसेंट ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल एक काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह ये टीवीज काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, और इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे ब्रांड्स के 4K रिजोल्यूशन वाले टीवीज भी मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों हम थोड़े से लोअर बजट की ओर बढ़ते हैं, और उनमें सबसे ऊपर आते हैं सैमसंग टीवीज के ये दो मॉडल, जिनमें आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ सैमसंग्स प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज लाइक वाइट कलर एनहांसर, क्लियर व्यू टेक्नोलॉजी, मेगा कॉन्ट्रास्ट, प्योर कलर, और साथ ही यहाँ पर आपको डिसेंट ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल एक काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे टीवीज के बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपका फायदा हो रहा है, तो प्लीज अपना टीवी मेरे दिए लिंक से परचेज करें, ताकि थोड़ा बहुत कमीशन मुझ जैसे छोटे मोटे गरीब यूट्यूबर को भी मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टीवी की ओर, जो कि है LG के ये दो टीवी मॉडल्स, जिनमें आपको अच्छी खासी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी अलोंग विद IPS पैनल विद वाइड व्यूइंग एंगल्स, डायनामिक कलर एनहांसर एंड एक्टिव HDR सपोर्ट, और साथ यहाँ पर आपको डिसेंट ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिलती है, और ये टीवीज भी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई बात प्रीमियम ब्रांड्स के टीवीज की, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाकी ब्रांड्स की ओर। तो यहाँ पर पहले आते हैं तोशिबा L5050 टीवीज, जिनमें आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी अलोंग विद ADS पैनल एंड ग्रेट कलर रिप्रोडक्शन। इट आल्सो कम्स विद CEVO पिक्चर इंजन, एक्टिव मोशन रिजोल्यूशन प्लस, कॉन्ट्रास्ट बूस्टर एंड 20W स्पीकर। लेकिन यहाँ पर आपको वीडा OS मिलने वाला है, जिसमें स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस तो है, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन ये ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी डील बन जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं नोकिया 2020 टीवीज, जो कि एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्मार्ट टीवी है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ब्राइट, क्रिस्प और क्लियर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी ड्यू टू द यूज ऑफ प्रॉन्टो फोकल AI इंजन, माइक्रो डिमिंग एंड एडवांस्ड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। और यहाँ इन सारे टीवीज में से सबसे बेस्ट ऑनक्यो डिजाइन 39W साउंड बार का सपोर्ट मिलेगा, विच डिलीवर्स अ ग्रेट ऑडियो एक्सपीरियंस, और ये इस टीवी को एक वैल्यू फॉर मनी डील बना देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं मोटोरोला ZX2 टीवीज, जो कि एक ओके या डिसेंट पिक्चर क्वालिटी के साथ आते हैं, पर यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा ऑडियो सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा, और ये भी एक अच्छा बैलेंस टीवी है अलॉन्ग विद अ डिसेंट कस्टमर सपोर्ट। अब नेक्स्ट आते हैं व्यू अल्ट्रा टीवीज और हाइसेंस A56E टीवीज, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स के साथ आते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों टीवीज में से एक को पिक करना हो, तो मैं हाइसेंस टीवीज को पिक करूंगा, जो कि इन सारे टीवीज में से सबसे चीपेस्ट टीवीज भी हैं। अब दोस्तों अगले आते हैं वन प्लस वाई सीरीज और मी टीवी 4A प्रो टीवीज, जो कि दोनों ही टीवीज में आपको एवरेज पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी अलोंग विद द एवरेज ऑडियो सिस्टम, जिसकी वजह से मैंने इन्हें अपने लिस्ट में टॉप पर रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन ये मार्केट के बाकी ब्रांड्स जैसे कि थॉमसन, कोडेक, सैन्यो एक्सेट्रा से एक बेटर चॉइस हो सकते हैं। तो अब अंत में मैं आपको मेरी ओर से रिकमेंडेड टीवीज बता देता हूँ, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं सैमसंग वंडरटेनमेंट टीवीज, जो कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील है कंसीडरिंग द बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। अब उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा नोकिया 2020 टीवीज, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, और ये भी एक वैल्यू फॉर मनी डील है। अब इसके बाद मैं तीसरे नंबर पर रिकमेंड करूंगा तोशिबा L5050 टीवीज विद गुड पिक्चर क्वालिटी, डिसेंट स्पीकर्स एंड लो प्राइस। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 3 पिक्स, आपको इन सारे टीवीज के बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।